और हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं विजय नीमा, उज्जैन से, और साथ ही साथ डिप्टी लीडर में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल पाठक। जिस तरह से विजय वहां पर, अब वो घड़ी नजदीक आ गई है जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और इस पूरे लोक भवन के लोकार्पण करेंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, कैसी चहलकदमी है, क्योंकि दिग्गज नेता, चाहे वो मध्य प्रदेश के सभी मंत्री हो, वो पहुंच चुके हैं और केंद्रीय मंत्री पहुंच चुके हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। कुछ ही समय पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रामघाट पर क्षिप्रा नदी के तट पर पूजा की है। साथ ही यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। मैं बताना चाहूंगा लगातार अपने कैमरामैन के जरिए तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको। लगातार वीवीआई के आ रहे हैं, पुलिस की सुरक्षा भी यहाँ पर कड़ी देखी जा सकती है। अंतिम रूप इस कार्य लोकार्पण का देखने को मिल रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा की काफी संख्या में यहाँ पर आना जाना वीवीआईपी का जारी है। पुलिस भी बड़ी मुस्तैदी से गेटों पे सुरक्षा कर रही है। जिस तरीके से आप मेरे कैमरे के जरिए देख सकते हैं, आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी गेटों पर लगे हुए हैं। साथ ही हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग भी हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार की तैयारियां की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर कई लोग आए हुए हैं। जी बताइए किस प्रकार का बाबा महाकाल के आज यहाँ पर भव्य आयोजन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, क्या कहना है? विजय, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ अतुल भी जुड़े हुए हैं। अतुल पाठक जी, तो जैसा कि आपने देखा ठीक है पाठक जी, जिस तरह से देखा जाए वहां पर लोगों में उत्साह काफी है, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, और साथ ही साथ वहां पर जो चाक चौबंद व्यवस्था और दुल्हन की तरह कहा जा रहा है 6 किलोमीटर में पूरे उज्जैन नगरी को सजाया गया है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है पाठक जी? देखिए, उज्जैन की जहां तक बात करें तो पूरी उज्जैन की जो अवंतिका नगरी जिसको कहते हैं वो पूरी शिवमय है। वैसे तो हमेशा ही शिव के भाव से उत्प्रोत रहते हैं यहाँ के लोग, लेकिन उज्जैन के लिए आज का दिन बेहद खास है, इसीलिए दूर दराज से महाकाल के भक्त यहाँ पर आए हैं। हम दृश्य भी दिखाएंगे कि किस तरह से लगातार रैली के शक्ल में लोग आते जा रहे हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग जिलों से महाकाल के भक्तों की इस तरह की रैलियां आती चली जा रही हैं, लोग इस भीड़ में मिलते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई लोग, पीछे आप देखिए उत्साह, देखिए लोगों के अंदर जबरदस्त उत्साह है। आप बताइए कि ये जो क्षण है जिसमें हम देख रहे हैं कि लगातार लोग, 2 घंटे से हम देख रहे हैं लाखों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? आज हमारे बीच में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी महाकाल मंदिर, बाबा महाकाल के नगर भवन में हमारे बीच में पधार रहे हैं, उसी को देखने के लिए, उनके भाषण सुनने के लिए आज पूरे प्रदेश की जनता हमारे बीच में उपस्थित है यहाँ पर। आप बताइए आज का दिन कितना महत्वपूर्ण उज्जैन के लिए? जय श्री महाकाल, अद्वितीय क्षण है हमारे लिए, पूरे विश्व के लिए। मैं अवंतिका नगरी में माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी आगंतुक अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। जय श्री महाकाल। महाकाल लोग को एक बहुत बड़ी उपलब्धि बता रही है बीजेपी की सरकार, क्या वाकई आपको लगता है ऐसा है? देखिए, सनातन धर्म में उपलब्धि के तो सवाल ही नहीं होता है। यह हमारा धर्म, संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई चीजें हैं और अद्वितीय क्षण है। इसे हमें राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, स्वागत, वंदन और अभिनंदन करना चाहिए हमें। हम महाकाल बाबा का नगरी में सबका स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जी, आप भी आए, क्या चाहते हो आप यहाँ? जी सर, मैं मोदी जी से मिलने आया हूँ, मोदी जी से हाथ मिलाना चाहता हूँ, इसके लिए इतनी दूर से आया हूँ मैं। मोदी जी से आप यहाँ क्यों आए? अरे हम तो वही, हमने क्योंकि उनकी नगरी में चलिए, हम हलकन बाबा की तो पवित्र विवाहन, मोदी जी का भी दर्शन हो जाएगा, उनकी नगरी में आइए तो महाकाल बाबा का भी दर्शन हो गए, यो मौको कब मिलेगा बार बार। तो इतना भव्य रूप दिया है, कैसा लग रहा है? अरे सब भगवान की दया से बहुत अच्छा लग रही है हमको। बहुत धन्यवाद है मोदी जी को जो हमारे उज्जैन के लिए
भव्य मंदिर बनाई गया है और काशी जी में भी बनेगा और राम मंदिर जो जन्मभूमि में बना है सब दूर विश्व में नाम चलेगा जिसका नाम है मोदी जी। तो आप देख सकते हैं लोगों में जबरदस्त इस तरह हम दिखाएंगे कि कैसे बुजुर्ग महिलाएं बच्चे सब दूर दूर से चल के आ रहे हैं, काफी दूर वाहनों को रोक दिया गया लेकिन उत्साह कम नहीं हो। लगातार हम दो घंटे से देख रहे हैं कि लोग आते ही चले जा रहे हैं। ये वो गेट है जहां जिसको कार्तिक मेला मंच ग्राउंड कहते हैं, इस गेट से लोग आएंगे और पीछे मैं मंच बताऊंगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर संबोधित करेंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे। 5:30 बजे नरेंद्र मोदी महाकाल परिसर पहुंचेंगे, वहां पर महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे, उसके बाद लोगों के बीच में आएंगे। बच्चे भी यहां पर है, क्या कहना है? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी को देखने के लिए आए, बहुत अच्छे काम करते हो। अच्छा मोदी जी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी का जबरदस्त क्रेज है। जो ज्यादातर लोग जिनसे हम बात कर रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि मोदी का यहाँ आना एक बड़ी बात है और वो मोदी से मिलने आए हैं, मोदी से हाथ मिले। बुजुर्ग भी कुछ कहना चाहते हैं। जी, मोदी से मिलने को आए हैं और हमारी समस्या हल करे मोदी। हम भी आए हैं, हमारी सोयाबीन बांझ रह गई है तो आई ने कोई नहीं देखी है सोयाबीन। मोदी जी के बारे में बोलो, मोदी जी के बारे में। मोदी जी से मिलने आए हैं, मोदी जी का भाई स्वागत करने आए, तो खुद से आए स्वागत करने आए हम मोदी जी का। और यहाँ पर बड़ी तादाद में जनसंख्या आई हुई है, करीब बताया था 1 लाख पब्लिक पंडाल में रहेगी लेकिन 1 लाख पब्लिक बाहर भी है। अच्छा, तो ये देखते हैं कि उत्साह कितना जोरदार है। और जो अभी कॉरिडोर बना है बहुत ही बढ़िया बना है। और ये तो एक इसका पहला कॉरिडोर आपने देखा है क्या? जी मैंने पहले देखा, 15 दिन पहले देख चुका हूँ। अच्छा, कैसा लगा आपको? एक बहुत भव्य बना हुआ है लेकिन उसके अंदर एंट्री नहीं हुई थी, आम लोगों की अभी एंट्री बंद है लेकिन अभी ये मोदी जी के जाने के 3 दिन बाद वो आम लोगों के लिए चालू हो जाएगा। उत्सुक है, बेकरार है, बहुत ही काफी उत्सुक है। मोदी मुमकिन है जी, मोदी है तो मुमकिन है। तो यहाँ पर काफी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है दीपक, जैसा कि आपने लोगों की भावनाएं भी सुनी, अपनी व्यक्तिगत समस्या हो, मोदी से मुलाकात की बात हो, महाकाल मंदिर को भव्य गौरव देने की बात हो, मोदी को क्रेडिट देना चाहते हैं। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा उज्जैन गूंज रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगा पाठक जी। विजय, आपके पीछे भी कई सारे लोग हैं, आप जैसे कि वो मेला ग्राउंड के जो ठीक फ्रंट गेट पर थे, आप किस जगह पर मौजूद हैं और वहाँ पर क्या हलचल चल रही है? गेट से मौजूद यहाँ पर भी काफी समर्थक, मतलब काफी श्रद्धालु देख सकते हो, श्रद्धालु काफी संख्या में श्रद्धालु चर्चा करेंगे। शंकराय माया स्तराय माया हकाराय शंकराय शंकराय माया।
अतुल जी लगातार हमारे साथ बने हुए। अतुल जी, जिस तरह से आपने जो भी लोग वहां पर गुजर रहे थे या फिर आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक मोदी को देखने के लिए आ रहे थे, या ये कहें कि बीजेपी समर्थक थे, एक किसान अगर बोलना भी चाह रहा था तो बाकियों ने रोक दिया कि सिर्फ मोदी जी के बारे में बात करिए। तो जिस तरह से एक लोग जो इकट्ठा करने का टारगेट दिया गया था, कहा यह जा रहा था कि एक लाख लोगों को टारगेट करना है, उन्हें इकट्ठा करके लाना है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो भीड़ देख के लग रहा है कि सफल होने वाला है ये पूरा आयोजन। हेलो जी पाठक जी, आप तक आवाज पहुंच रही? देखिए, मुझे आपकी आवाज कट कर आ रही, लेकिन जहां तक मैं आपका सवाल समझ पा रहा हूं, उसी के अनुसार यहां पर लोगों से बात करेंगे। मुझे तो ये लगता है कि लोग स्वस्फूर्त होकर आ रहे हैं, लोगों की खुद की उत्सुकता है यहां आने की। आप कहां से आए हैं, आप बताइए। जी जय मां जी। तो आपको जबरदस्ती लाया गया है, आप खुद आए? हमारी मर्जी से आए हैं। मोदी जी हमारा देश का गौरव है, इनके लिए आए हम। अच्छा, आज जो महाकाल लोक का लोकार्पण हो रहा है, इसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? बहुत बड़ी है जी, करोड़ों में। जी हाँ, गांव दंगवाड़ा तहसील बंडे का जिला उज्जैन से श्रीराम जाट बोल रहा हूँ जी। मोदी जी को भाषण सुनने के लिए आ रहे हैं, मोदी जी है बहुत अच्छी चीज है, और उनकी वजह से आज देश सुरक्षित है। अच्छा हाँ, धर्म भी सुरक्षित है और किसान भी। आज की जो उपलब्धि, उसको किस रूप में लेते हैं? हाँ, मोदी जी अपने लिए अच्छा कर रहा, बढ़िया है। मोदी जी के लिए हमें अच्छा भाषण सुनने के लिए आया इस प्रकार से। मोदी जी यहाँ तो मोदी जी को देखने ज्यादा लोग, आप बताओ कहाँ से आए हो आप? मैं तो उज्जैन से हूँ सर। उज्जैन का ये जो महाकाल लोक बना, देखा इसको आपने? देखा क्या सर, यहाँ तो महाकाल के अंदर ही रहते हैं हम तो सर। अच्छा, हाँ सर, जो नया लोक बना है, जो नया जिसका लोकार्पण कर रहे हैं, उसकी भव्यता देखिए। अरे बहुत भविष्य है, बहुत बढ़िया सर उज्जैन के लिए। अच्छा, सोचा था कभी ये रूप? नहीं सोचा था सर, कैसा उज्जैन का अंतिकाल में भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, आप चाहो तो समाचार सुनाऊं आपको उज्जैन का? जी सुनाऊं क्या? जी बता। जब तक सूरज चांद रहेगा, मेरी उज्जैनी का नाम रहेगा, और उज्जैनी के आंगन में लीला है भगवान की, और जय बोलो महाकाल की। शिवरा जी की शान निराली, बेती पावन धारा, सभी पाप यहाँ धुल जाते हैं, कष्ट मिटे है सारा। हर एक साल का कार्तिक मेला लगता है प्यारा, भीड़ यहाँ भक्तों की रहती है माया अक्रम पारा। स्नान करो शिप्रा का तो वे भागे है काल की, और जय बोलो महाकाल की। राम घाट पे राम के दर्शन कर लो हर नन्नारी, और दत्त श्रेय भगवान को पूजो रखाड़ा भारी। माँ हर सिद्धि को पूजो तो माँ संतोषी न्यारी, 24 खंबा जय जगदम्बा भक्तों की रखवाली। और राजा विक्रम के घर में कमी नहीं है माल की, और जय बोलो महाकाल की। खड़े कन्हैया मुरली बजैया मुरली की सुरताल, खड़े हुए हनुमान का कर लो तुम सम्मान। बेस शहर में टीले ऊपर योगेश्वर भगवान, उनके दर्शन कर लो भाई कर देंगे कल्याण। और माँ चाउंडा के मंदिर में ढोलक बजती है सुरताल की, और जय बोलो महाकाल की। मंगलनाथ और सीकनाथ की अजब निराली शान, और धुनी लगाए बैठे भरतरियो गोरख की महिमा को पहचान। माँ गढ़काली के क्रोध से डरते बड़े बड़े बलवान, आगे चलकर देखो चौकी है भैरव काल की, और जय बोलो महाकाल की। उजड़ खेड़ा हनुमान है तो चिमताधर गणेश, और सिपरा किनारे भूखी माता जाते हैं लोगा महेश। ब्रह्मा विष्णु निज दिन रहते हैं हमेश, मंदिर सब में आला जिसमें पिंड है विकराल की, और जय बोलो महाकाल की। बहुत बढ़िया वर्णन इन्होंने उज्जैनी का किया, महाकाल की नगरी का किया। और भी दृश्य आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा ऊंचा कैमरा करके आपको दिखाएंगे। लोग आ रहे हैं, बोलिए बाबा महाकाल के। जी बोलते जाइए आप। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो पधारे हैं, उनका मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बाबा महाकाल की नगरी में उनका बहुत बहुत स्वागत है, और ऐसे प्रधानमंत्री जी को मैं नमन करता हूं। ऐसे देश के प्रधानमंत्री हमेशा, और मेरे हिंदू समाज के लिए हमेशा ऐसे प्रधानमंत्री बने रहे। मैं बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करता हूं, और मोदी जी को भी ये आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारी नगरी में पधारे, और स्वच्छता से आप और महाकाल की नगरी बहुत सुंदर बना दी उन्होंने। आप कुछ कहना चाहते हैं? हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपने महाकाल लोक देखा है अभी जो बना? बिल्कुल देखा है जी। सोचा था शानदार है, क्या खासियत है उसकी बताइए? महाकाल जी के मोदी का अलावा कोई संभव नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर लोग हर मोदी, घर घर मोदी, जय जय श्री महाकाल। उज्जैन का उत्साह, उज्जैन के लोगों का, मालवा की मिट्टी का ये प्रताप है कि यहाँ लोग उत्साहित रहते हैं, खुश रहते हैं। इनका एक अलग ही व्यक्तित्व है, महाकाल की कृपा है। और जिस तरह से महाकाल का वर्णन एक भक्त ने यहाँ किया कि ये पूरी नगरी धर्म की, आस्था की, यहाँ पर गंगाएं बहती हैं, और शिप्रा नदी के तट पर बना हुआ ये शहर नित नए सोपान गढ़ रहा है। और आज जो महाकाल लोक का
लोकार्पण हो रहा है, ये इसमें और चार चांद लगाएगा। पूरे विश्व का अट्रैक्शन आज इस धरती पर है, इस धरा पर है, पूरे दुनिया की निगाहें हैं, 45 देशों के NRI जुड़ रहे हैं इस कार्यक्रम से, तो आप समझ सकते हैं कि आज कितना बड़ा क्षण है उज्जैन के लोगों के लिए। ठीक है पाठक जी, मैं आपके पास लौटूंगा। विजय, जिस तरह से लोगों का हुजूम इतना उमड़ रहा है, लाखों लोग पहुंच रहे हैं, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि 1 लाख लोग एक तरफ आ रहे हैं, जाहिर है उनसे जुड़े हुए वाहन पहुंच रहे हैं, और ऐसे में सुरक्षा भी प्रधानमंत्री मोदी और अन्य लोगों की भी करनी है, तो किस तरह से पूरे प्रोटोकॉल को बनाया गया, किस तरह से पूरी रणनीति तैयार की गई है? विजय, विजय आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है जी जी दीपक जी, विजय कम शब्दों में, समय कम है। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं, बसों की पार्किंग अलग से की गई है, सारे इंतजाम द्वारा स्वागत किए गए हैं। लेकिन मैं आपको बताया ठीक है भेजे, चूंकि आवाज आपकी साफ नहीं आ पा रही, दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पाठक जी ने काफी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, और जो वहां पर लगातार डटे हुए हैं और एक एक पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पाठक जी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।